नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी की बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त नए नए ब्रांड न्यू एपिसोड में। आप जल्दी से अभी अपना ब्रांड न्यू लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एकदम जल्दी जल्दी वीडियो बन रहा है, बिकॉज मैं निकल रहा हूँ एकदम जल्दी जल्दी फुल स्पीड से दुबई, लौट के आऊंगा बहुत जल्दी वापस दिल्ली। बहुत छोटा सा ट्रिप है, एकदम लास्ट मिनट प्लान किया था, बहुत सारी बातें करूंगा बाहर। फिलहाल जल्दी से बैठता हूँ कार में, निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए, आपको बताऊंगा क्या है पूरी कहानी वेरी वेरी सून। गाइस इधर भी आ गई सेल्फी वीरेंद्र जी की। हाँ, क्या बात है। तो मैं जस्ट अभी निकला हूँ अपने घर से एयरपोर्ट के लिए, और ऑलमोस्ट तो खैर आराम से टाइम भी है, इसको दिक्कत नहीं है। फ्लाइट जिसमें मैं जा रहा हूँ वो फ्लाइट है जिसमें मैं बहुत कम जाता हूँ। बेसिकली मैं लेता हूँ मोस्टली, ये लोग फोन भी आ गया, राहुल तो ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुँच चुका है। हाँ भाई, काउंटर कौन सा है? एमिरेट्स वाला, जे और के। ब्लॉग में हेलो बोल दो। चलो मैं आता हूँ, मैं बस अभी जस्ट निकला हूँ घर से, मैं आता हूँ आधे घंटे के अंदर अंदर। ओके चलो बाय बाय। गाइस ये होता है जब आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो, और राहुल ने पूछा मुझसे कि एमिरेट्स वाला काउंटर कौन सा है, क्योंकि वो रेयरली ट्रेवल करता है इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए, और मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, लंदन एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क का टर्मिनल 4, ये सारे का सारा मेरे को आग बंद करके नक्शा रटा हुआ है कि कौन सा गेट कहाँ पे है, कौन सा सिक्योरिटी चेक कहाँ पे है, कौन सा वॉशरूम मिलेगा ड्यूटी फ्री में, कौन सी दुकान कहाँ पे है, सब चीज़ें रटी हुई हैं। तो राहुल ने उसी बात का फायदा उठाया। बाय द वे मैं अभी निकल गया हूँ ऑलमोस्ट 8:30 से, बस 5 मिनट ऊपर। वीरेंद्र जी का टाइम था आने का 8 बजे का, और सर जी 7:30 आ गया, तो मेरे ऊपर प्रेशर आ गया। गाइस अभी अभी नुस्खा मिल गया मेरे को नया, जो मैं ट्राई करने वाला हूँ। एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी और 4-5 दालचीनी, और उसको उबाल के जब वो आधा ग्लास रह जाए तो ठंडा करके पियो, और इससे हमको एनर्जी ड्रिंक वाला जो है वो इफेक्ट मिलने वाला है। मैं ट्राई करूंगा वीरेंद्र जी का पूरा फीडबैक। बाय द वे आपको बताता हूँ कि मैं दुबई क्यों जा रहा हूँ। दुबई में इसलिए जा रहा हूँ, अचानक से मेरा प्लान क्यों बना, अचानक से प्लान इसलिए बना कि मैं पिछले कुछ दिनों से इंडिया में था, और बीच में मदर्स डे भी गया, तो मम्मी से उस दिन मैंने बात करी, और मतलब बात तो खैर होती है, बट उस दिन जब बात किया तो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, मतलब मैंने उस दिन मैं दुबई क्यों नहीं था, तो ये बहुत बड़ा जो है वो गलती हो गई, क्योंकि 7th को यहाँ पे बर्थडे था, 8th को संडे था, मदर्स डे था, तो वो एकदम बैक टू बैक हो गया, लास्ट मिनट में ट्रैवल नहीं कर पाता, वो सब चीज़ें हो जाती। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ सरप्राइज देने के लिए, तो पता नहीं है किसी को, मैंने बस इंस्टेंटली अपना फ्लाइट किया है, मैं जाने वाला हूँ और कल सुबह सुबह वापस भी आने वाला हूँ, और वहाँ पे साथ में राहुल भी जा रहा था, मैंने कहा चल आ जाओ कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे दुबई में। फिलहाल के लिए तो सर का ज्ञान ले रहा हूँ मैं, वीरेंद्र सर जो है बहुत ज्ञान की बातें बता रहे हैं, मैं भी अपना कुछ काम भी करने वाला हूँ, बात करता हूँ आपसे। वैसे सुबह सुबह का जो हल्का हल्का ट्रैफिक होता है ना, ये सामने दिख रहा है, बिकॉज लोग निकलते हैं सुबह सुबह, स्कूल ऑफिस सब चीज़ें जब शुरू हो जाती हैं तो हल्का फुल्का ट्रैफिक है, बट स्टिल एयरपोर्ट आई थिंक 30 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे। ये ना मेरा पिछले कुछ टाइम में, पिछले काफ़ी टाइम में इनफैक्ट, पहला ऐसा ट्रिप है घर का जहाँ पे मैं 24 घंटे से भी कम टाइम पे घर पे रहूँगा। पहले ऐसा बहुत बार होता था कि जब मैं कभी US गया हूँ वहाँ से आ रहा हूँ तो रास्ते में कुछ देर के लिए घर पे रुका फिर वापस निकल गया, मतलब वो सब होता था, बट अभी पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी वापस ऐसा लग रहा है कि आज जा रहा हूँ और कल सुबह सुबह, मतलब मैं दोपहर में पहुँचूंगा घर पे 2 बजे और सुबह सुबह मेरे को वापस निकलना है, मतलब लेस देन 24 आवर्स, तो वो सीन हो जाएगा। बट चलो अभी बस एयरपोर्ट आ गया है, सामने JK टायर का ये साइन बोर्ड दिख रहा है आपको, वो रहा, और सामने हमारे एयरपोर्ट की वो आपको सामने ATC दिख रहा है। तो गाइस राहुल मिल गया मेरे को एयरपोर्ट के ऊपर, राहुल ने अपना काम पहले करवा लिया, मैं हूँ बाय द वे इधर काउंटर पे, 1 मिनट में मिलता हूँ, फिर अंदर तो हम बहुत कुछ करने वाले ही हैं। जलवा जलवा, अरे आपका जो अभी नहीं, अभी मजा आने वाला है। राहुल का पहला दुबई ट्रिप है। हाँ, ये मेरा पहला दुबई ट्रिप। 5 मिनट्स लेटर। गाइस जब भी ट्रैवल करते हैं ना तो मज़ा कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक भाई मिल गए इमिग्रेशन पे, जो सर थे हमारे नांगल दोरजे सर जो कि लेह से थे, उनसे बात किया, उन्होंने पहचान लिया, उनसे काफ़ी अच्छा लगा। अभी साथ में रूबी हैं, रूबी जो है वो भी जानती हैं, उनसे बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फ़ोन आ रहा है, वो भैया का फ़ोन आ रहा है, भैया से बात करता हूँ, उनसे बात करिए बहुत अच्छा लगेगा। तो बेसिकली जो हम बात करते हैं ना, तो बात करते रहना चाहिए, बिकॉज बात करने से बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, पर आप दिन भर कितने लोगों से बात करते हैं? Somewhere around 14 to 15.
रूबी कुछ और करें या ना करें, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट शी वॉक्स अ लॉट एंड आई एम श्योर 20,000 स्टेप्स इन अ डे मिनिमम. मुझे पता है जब दुबई एयरपोर्ट में होता हूँ तो वहाँ पे कभी जब गेट्स, दिल्ली में एक्चुअली गेट्स एमिरेट्स को एकदम पास पास में होते हैं, बट अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है कई बार. और अभी हम पार कर रहे हैं ड्यूटी फ्री को. गाइस मैं अमन से बहुत दिनों बाद मिला हूँ और मजे की बात, मेरे को याद आता है अमन सेकेंड वेव से पहले मेरी फ़्लाइट थी जिसमें कोविड टेस्ट भी करवाना था और भाग भाग के हमने फ्लाइट कैच की थी और वो मेरे को आज भी सीन याद है. वो उसका ब्लॉग बना रखा है, कैच गॉट द लास्ट फ्लाइट टू दुबई या समथिंग. मेरे को याद है रात की फ्लाइट थी हमारा और भाग भाग के सारा सिस्टम करवाया था उस टाइम पे. उसके बाद में बीच में एक दौर मिला लेकिन अब जाके अब मिल रहा हूँ. अभी बाय द वे मुझे एक वीडियो एडिट करना है तो मुझे देखना है कि क्या मैं कुछ खाते पीते बाहर बैठ के करता हूँ. यहाँ पे आयरिश हाउस सामने पर वहाँ बैठता हूँ. अभी तब तक आपको बताऊँ कि दिल्ली एयरपोर्ट की रौनक पूरी वापस आ चुकी है. पहले जो कोविड का टाइम का सीन था ना तो उस टाइम पे एकदम मतलब खाली सा हो गया था, लेकिन अभी के लिए इट्स ऑल हैपनिंग, पीपल आर मूविंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. लेट्स जस्ट वेट फॉर राहुल और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ. फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं बैठता कहाँ पर, लॉन में जाता हूँ या फिर कहीं नीचे किसी ऐसे नॉर्मल शॉप बैठ रहा हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स है बिफोर आई हैव टू लीव. गाइस मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, अभी मिला हूँ अनिल से. आज लिस्ट देखते हैं कहाँ तक खत्म होती है. तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे कैफे टोइनो में, आयरिश हाउस के अंदर. वो खाना देने से मना कर रहे थे, बोलते हैं सिर्फ अभी ड्रिंक से. मैंने कहा यार भूख लग रही है, सुबह नाश्ता लेकर के आया हूँ मैं, तो यहाँ पे आया हूँ. यहाँ पे साथ में मिले हैं सचिन. कैसे हो आप? 5 मिनट्स लेटर हमारे साथ में राहुल और प्रवीण सर. सर जी ने हमको पिज्जा खिलाया, बहुत ही अच्छा लगा. और राहुल ने तारीफ की आती ना कि पिज्जा बहुत अच्छा था, बोलते हैं पिज्जा सबसे अच्छा है ऑन टाइम ना. चलो जी डन. राहुल अगर फ्लाइट छूट रही हो तो इसमें चलना पसंद करोगे या साइड से दौड़ना पसंद करोगे? स्पीड देखो. आपके साथ तो हर चीज़ ही कर चुका हूँ, फ्लाइट छूटते छूटते ही बचती है. आज तो बहुत टाइम है मेरे पास में, आज तो टाइम ही टाइम है. जाके मम्मी को सरप्राइज करते हैं. वो ज़रूरी है, मम्मी को सरप्राइज करते हैं फिर शाम को आपको सरप्राइज करते हैं. मैंने सही में मैक्सिमम स्पीड है क्या? फुल स्पीड है ये? मेरे ख्याल से किसी की फ्लाइट अगर छूट रही हो तो उतर के भागना ज़्यादा बढ़िया है ना. चलो गाइज, तो फाइनली क्या बेसिकली मतलब ये तो बहुत ही इजी है. हम बोर्ड कर चुके हैं फ्लाइट हमारी और बोर्ड क्या कर चुके हैं मतलब बोर्डिंग गेट से आगे आ गए हैं तो उनकी नज़र में तो बोर्ड कर लिया है हमने. अब अगर मैं रास्ते में यहीं बैठ जाऊंगा तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स द फ्लाइट. और मेरी सीट, मेरी फेवरेट सीट है 1A ही है ना. हाँ 1A ही है. हाँ तो गाइज आई डोंट नो क्वालिटी कैसी आ रही है बिकॉज मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फोन से बना रहा हूँ. बट फाइनली आई एम इन द फ्लाइट, फाइनली आई एम इन माई प्राइवेट स्वीट ऑफ एमिरेट्स और ये है स्वीट 1A और बहुत सही सीन है. शुरुआत करते हैं सैनिटाइजर के साथ. थोड़ा सैनिटाइजर हो जाए डाल के लिए मेरे तरफ से आपके लिए. नाइस फ्लावर्स, फ्रेश एंड रियल फ्लावर्स, बिकॉज नीचे आपको दिख रहा है ये ट्यूब के अंदर पानी है. तो दिस इज द अटेंशन टू डिटेल जो एमिरेट्स रखता है. और जो मज़ा है वो पूरा बहुत बहुत ज़्यादा आने वाला है. मेरी फेवरेट ड्रिंक स्पार्कलिंग वाटर विद आइस एंड लेमन, इट्स रेडी. और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है बस. आ, आ, बहुत ऊपर है. 5 मिनट्स लेटर गाइस हमारे पास में पूरी थाली सज चुकी है, पूरी टेबल जो है वो रेडी हो चुकी है, बहुत कुछ है. यहाँ पे भैया का सीक्रेट वाला मसाला भी है और भैया ने चीज़ भी डाला है बहुत सारा और अमूल बटर भी डाला है. बहुत कुछ डाला है,
तो खाना इज ऑलरेडी खत्म करते हैं, फिर बात करते हैं। गाइस ये आ गया अपना मेन कोर्स, आलू मटर, शाही पनीर, दाल, पकौड़े वाली कड़ी और चावल, साथ में है पराठा। और असली मजा जो है वो है कि आप फिलहाल के लिए हम 34,000 फीट पे हैं, 574 माइल्स पर आर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर है इस टाइम पे और ये एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है एमिरेट्स फर्स्ट क्लास का मज़ा। वैसे तो मज़ा ये हर हफ्ते आ जाता है। अगर आप बॉटल का ढक्कन जो है वो थोड़ा सा भी लूज छोड़ दो ना, तो केबिन प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऐसा हो जाती है, पिचक जाती है, किसी को नहीं पता करते कि मैं आने वाला हूँ। 5 minutes later ऑफिशियली एयरपोर्ट से बाहर दुबई में, दोस्तों कुछ ऐसा रहा मेरा दिन और आपने देखा ही घर व्लॉग में, बड़ा अच्छा लगा यार। इतने दिनों बाद मैं बस कुछ टाइम के लिए जा घर पे आया, लेकिन ऐसे में मज़ा बहुत ज़्यादा आया और सरप्राइज हमने सारा कर दिया, बहुत सारी बातें भी हो गई। बहुत जल्दी आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप जानती हैं प्लान्ड हैं, मतलब मैं कितना बता दूं यार, बहुत बहुत कुछ फन होने वाला है। फिलहाल तो खैर रात के इस टाइम पे बज गए हैं कुछ 2:30। मैं अभी बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ वापस से एयरपोर्ट के लिए, दिल्ली जाना है मुझे। आई होप कि आपको वीडियो भी ऐसे ही मजा आया होगा। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।